हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका टीजीटी साइंस है सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट आपका वीक है, तो कैसे फिर आप जो एसटेट है जो 7-8 दिसंबर को होने वाला है उसको क्वालिफाई कर सकते हो। एसटेट टीजीटी साइंस का हमने सिलेबस डिस्कस किया है अच्छे से, वो चाहो तो आप जाके देख सकते हो। फिजिक्स का अलग से डिस्कस किया है, केमिस्ट्री का अलग से और बायोलॉजी का अलग से, और ये भी हमने डिस्कस किया है कि कौन सी यूनिट है वो कौन सी क्लास से आई है आपकी। और ये वीडियो आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट वीक है तो कैसे आप इसको प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास 90 नंबर का एक कॉमन पोर्शन होता है और 60 नंबर का हमारे पास सब्जेक्ट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट चाहे कितना भी वीक हो तो, लेकिन यहाँ पे आपको 30+ मार्क्स तो लेके ही आने हैं। वो आप पे डिपेंड है, आप कितनी देर पढ़ोगे, कितने एफर्ट करोगे। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप ऐसे ये मत पढ़ो तो भी आपका हो जाएगा, नहीं होगा। मुझे पता है, आपको भी पता है, अगर हम सब्जेक्ट को नहीं छोड़ ही देंगे वीक, ये मान के कि हमारा सब्जेक्ट वीक है, हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे अपने आप को भी नहीं धोखा देना है, और मतलब चीजों को समझते हुए जो रियलिटी है ना, देखो हम सामने वाले को कुछ भी बता दे, लेकिन हमें अपना पता होता है कि हमें कितना आता है और हम किस लेवल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे हमारी स्टडी चल रही है। बेशक हम बोलने वाले को, सामने वाले को कुछ भी बोल दे, बेशक से हम बिल्कुल ना पढ़े और सामने वाले को हम ये बोल सकते हैं कि हम तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन हमें खुद को पता होता है कि हम कितने पढ़े हैं कितने नहीं। और जब तक आपके अंदर से ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना आए कि जिस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी, इतनी मेहनत सफिशियंट थी, उतनी आपने नहीं की, तो फिर आपको वहां से उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए कि हमारा एग्जाम नहीं होगा। तो बस कहने की बात ये है कि चाहे वो कॉमन पोर्शन हो चाहे वो सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो, आपने बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एक ऐसा आप ये सोचोगे ना, एक पोर्शन को हम कम्प्लीट लीव करेंगे और हमारा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे 60 है, देखो 60 में से आपकी 20 की आएगी फिजिक्स। ये कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होएगा, बाकी 20 का फिजिक्स आएगा, 20 की केमिस्ट्री आएगी आपकी, और 20 की आपकी आएगी बायोलॉजी। ये वाली चीज यही है, बस किसी के 21 हो गए, किसी के 22 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो बायोलॉजी वाला पोर्शन आपको मिलेगा ना, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं मिलेगी, आपको सारा ही याद करना पड़ेगा। डिटो डेफिनेशन आती है, डिटो पॉइंट उठ के आते हैं, अगर उनका पता है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज नहीं बता सकते। ना उसमें कुछ एक्सप्लेन का होता है, ना उसमें कुछ समझाने का होता है, सीधा नाम होता है जिसको आपने याद करना होता है। तो अब वो आपने अपनी कैपेसिटी देखनी है कि क्या आप बायोलॉजी को पढ़ सकते हो। अगर आप बायोलॉजी को पढ़ सकते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ लेना। अदरवाइज आपने क्या करना है कि देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री 6 to 10 एनसीईआरटी के जितने भी लेसन आपको यहाँ पे मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, पहले उनको एक लेसन को 2 से 3 बार पढ़ो। मींस क्या कि मैक्सिमम जितना आप उनसे गेन कर सको उतना आपने पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे वहां पे कोई और चीज देखने को मिलेगी, सेकंड टाइम पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा। ऐसे करके आपने पहले इन वाले चैप्टर को ऐसा करो कि यहाँ से क्वेश्चन आया तो हम यहाँ से नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि देखो जितना पढ़ो ना उतना इतना ऐसा पढ़ो कि अगर वहां से क्वेश्चन आया तो हमारा लीव नहीं होगा। तो पहले आप ये करो कि 20 यहाँ से हमारे पास 40 नंबर का हो गया यहाँ पे, और 40 नंबर में भी आप ये देखो ना, फिर 11th 12th भी मिलेगी आपको। तो आप ये करो, अगर आप बायोलॉजी आप नहीं कर पा रहे ना, तो आप बायोलॉजी को छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से करो, और PYQ विद एक्सप्लेनेशन 2017 से लेके 2023 तक करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीजें आपकी हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे 11th 12th के जो टॉपिक आपको मोस्ट रिपीटेड लगे वो वाले पढ़ो, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी, और उसके बाद आपको ये लगता है कि हाँ हमारे पास टाइम बचा है तो बायोलॉजी उठा लेना, नहीं तो 6 to 10 में जो छोटे छोटे लेसन होते हैं उनको बायोलॉजी के पढ़ लेना। छोड़ना ये भी बिल्कुल नहीं है, जो आपको यहाँ पे PYQ में दिखेगा ना वो तो आपने बायोलॉजी का भी पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी यहाँ पे देखो 11th 12th है, वहां से केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हो गया, आता ही आता है, केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया और बॉन्ड ऑर्डर हो गया, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो टॉपिक वहां से आते हैं 11th 12th के, वो वाले टॉपिक आपने पढ़ लेने हैं साथ में। और यहाँ पे जो आपकी 6 to 10 में जो भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की यूनिट मिलेगी उनको अच्छे से कर लो पहले, और बायोलॉजी को फिर बाद में देख लेना। पहले जो चीज आपको ये लगे ना कि उसको ये वाली चीजें हैं पहले हम ये कर लेंगे, उसके बाद आपने इन चीजों का तो रिविजन करना है।
एक बार आपको लगता है कि 6 to 10 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया है, फिर आपने इन दोनों का तो रिवीजन शुरू कर देना है, और साथ में एक एक यूनिट अगर जितना आप पढ़ पाओ इसको बायोलॉजी को पढ़ लेना है, और PYQ आपने करने ही करने हैं। 17 से लेकर 23 तक हमारे चैनल पे भी कम्प्लीट हो गए हैं। जैसे ये कम्प्लीट होंगे, ओवरऑल जो पूरी PDF बनेगी वो मैं आपको अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। ये तो थी इतनी बात। अब यहाँ पे देखो आप 11th 12th वाली, ये वाले जो टॉपिक है ना, जैसे यहाँ से SHM है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, SHO। यहाँ से जो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला होता है ना, वो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वाली चीजें आपने नहीं छोड़नी है, जो चीजें हमें पता है आ सकती है पहले वो तो कर लो। बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम पोर्शन है ना वो मिलेगा, यहाँ पे लर्निंग बेस्ड मिलेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या हुआ कि जिस भी स्टेप से आप जिस भी सब्जेक्ट को, अब सबको जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी ही मुश्किल लगे, किसी किसी को फिजिक्स भी लग जाती है, और किसी को दो सब्जेक्ट यहाँ से मुश्किल लग रहे हैं ना, फिर आपका सेट होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट छोड़ गए तो फिर हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 30+ नंबर तो मिनिमम से मिनिमम हमें लेके ही आने पड़ेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे नहीं सोच सकते कि हमारे जो सब्जेक्ट में 30 भी ना आए तो फिर क्या ही फायदा है। तो आपने यहाँ पे एक सब्जेक्ट जिसको ये लगे कि हमारा मुश्किल है उसको आप एक बार छोड़ के, जो आपके अच्छे वाले सब्जेक्ट हैं उनको 6 to 10 भी करो और 11th 12th भी कर लो उनकी। और उसके बाद जब आपको ये लगे कि हमारी ये वाली चीजें कंप्लीट हो गई हैं, फिर वहां पे जो थर्ड सब्जेक्ट आपका जो भी बचेगा उसको शुरू कर देना है। पहली चीज तो थी ये कि जो भी दो सब्जेक्ट आपको ये लगे कि फेमिलियर से हैं हमारे साथ, जिनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनको करो, और जो आपका एक सब्जेक्ट बचेगा उसको बाद में कर लेना, और इन सब्जेक्ट के जो 11th 12th के टॉपिक रिपीट हो रहे हैं वो भी आपने करने हैं। पहली चीज तो थी ये। अब दूसरी चीज देखो, जो एस्टेट PGT साइंस का पेपर है ना उसको कॉमन पार्ट उठा सकता है, क्योंकि वहां से अगर हमारे सब्जेक्ट में कम मार्क्स भी आए तो यहाँ पे देखो 90 मार्क्स आते हैं कॉमन पार्ट से, और 90 में से अगर आप 60 से 65 ले आते हो और 30 आपके वहां पे आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहती। फिर यहाँ पे देखो 30 नंबर की CDP आती है, तो आपने CDP को इतने अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना है कि आपके 22-23 मार्क्स है वहां पे आ जाए, कोई ज्यादा भी नहीं है। ये तो नहीं मैं बोल रही, आपने 30 में से 28 ही लेके आने हैं, तो 22-23 मार्क्स है वो आ भी जाएंगे। उसके बाद ये वाला जी के मैथ वाला पोर्शन है हमारा, 30 नंबर का होता है, तो एटलीस्ट 20 मार्क्स तो हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं ना आप वहां से ले आओगे, है ना। और इंग्लिश हिंदी है 15-15 मार्क्स की आती है, मीन्स 30 मार्क्स की आती है, तो यहाँ से भी हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 20 से 22 हमारे नंबर आ जाए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होगा, 20-20-40-20-60 और 30 आपने सब्जेक्ट से लिए, 90 का क्राइटेरिया इतना ज्यादा नहीं होता। एक बात चीज को आप अच्छे से करोगे ना, तो यहाँ पे देखो CDP पे आपने एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि CDP से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां ऐसी कोई चीज नहीं आती जो हमने ना पढ़ रखी हो। उसके बाद यहाँ पे मैथ और जो हमारा रीजनिंग है, इसके जो PYQ है ना आपने वो अच्छे से करने हैं, और यहाँ पे भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आते ही आते, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, स्पीड रेशियो रेशियो वाला हो गया, स्पीड टाइम वाला हो गया, और प्रॉफिट लॉस वाला हो गया, ये वाले टॉपिक है वो यहाँ भी रिपीट होते ही होते हैं, तो इन वालों को भी नहीं छोड़ना है। अब बात रही इंग्लिश हिंदी की, तो यहाँ पे 30 नंबर की आती है, तो 20-10-10 मार्क्स आप यहाँ से भी लेके आ सकते हो अगर अपने ग्रामर के। यहाँ पे भी मैंने सिलेबस डिस्कस करके बताया, यहाँ पे भी वो तो एक कमेंट था कि अगर हमारा सब्जेक्ट वीक है तो हम कैसे करेंगे, तो आपका अगर सब्जेक्ट वीक है ना तो आप क्या करो, जो 3 सब्जेक्ट में से एक आपको मुश्किल लगता है एक बार के लिए उसको हटा दो, जो 2 अच्छे लगते हैं ना 6 to 10 एक महीने में उसको कंप्लीट करो, और जो वहां से आपको 11th 12th के टॉपिक मिलेंगे उनको करो। 11th के टॉपिक मैंने भी अपने चैनल पे बताया, 11th 12th के केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक बार बार रिवीजन रिपीट होते हैं, और जो टॉपिक जो सब्जेक्ट आपका बचेगा उसको बाद में साइड बाय साइड लेके चलना, इनका रिवीजन करना, इसको साथ में पढ़ लेना। और रही बात इनकी 30 मार्क्स की CDP की, जिसके मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी, तो इनमें इतने मिनिमम मिनिमम मार्क्स भी आप लेके आओगे तो इजिली आपके 90+ मार्क्स हैं वो बन जाएंगे। तो अगर TGT साइंस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता हमें कॉमन पोर्शन, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है ना तो आपकी कॉमन पोर्शन पे उतनी ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि अगर हमारे सब्जेक्ट में कम मार्क्स भी आए तो कॉमन पोर्शन हमें बचा लेगा। तो कॉमन पोर्शन को आपने नहीं छोड़ना है, और ना ही पूरा सब्जेक्ट छोड़ना है, कोई भी हो यहाँ पे भी आपने इसकी भी तो यूनिट साइड बाय साइड पढ़नी है। एक बार के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चन देखते हैं ना हम, तो हमारे दिमाग में टेंशन बन जाती है, टेंशन बनने की वजह से 1-2 दिन तो वैसे ही खराब चला जाता, फिर मोटिवेशन आता, फिर वो 1-2 ऐसे क्वेश्चन देख लिया तो फिर वही लाल हो जाता है। और PY क्योंकि आपने टेंशन नहीं लेनी, वो तो मैं आपको अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगी, 17 से लेकर 23 तक 18 का रहता, जैसे ही 18 का कंप्लीट होगा मैं पूरे के पूरे आपके अपलोड कर दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।